किसी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए उससे प्रेम होना ज़रूरी होता है। आज गुरु का हमसे इतना प्रेम है कि वो हमको अपना आप ही जानता है, इसलिए वो हमको बहुत अच्छे से समझ सकता है, जान सकता है। और हमारा मन भी कहता है कि तू मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे ख्याल का भी ख्याल रखता है, अंदर से ही आवाज़ आती है। लेकिन हमारा प्रेम बढ़ते बढ़ते बढ़ता है, हमारी चित्तवृत्तियाँ बिखरी हुई हैं, सबसे पहले अपने अहंकार में बहुत वृत्ति बिखरी हुई है, अपनी सुख बुद्धि में वृत्ति बहुत बिखरी हुई है, जो मेरे बना के आए हैं उनमें वृत्ति बिखरी हुई है, जो टारगेट्स माया के बना के चले उसमें वृत्ति बिखरी हुई है। तो अभी धीरे धीरे आपका मन जब सब तरफ से सिमटेगा तो गुरु को भी समझने लगेगा। जैसे कभी घर में पानी का शॉर्टेज होता है, आजकल तो मोटरें हैं सब है, पहले अगर तुम्हें याद हो मोटर्स वगैरह का कोई फैशन नहीं था, एक जो सरकारी नलके से पानी आया करता था, तो कभी शॉर्टेज होती थी तो हम छोटे छोटे बर्तन भर के भी रख लेते थे, फिर जब देखते थे हमारा बड़ा टब या बाल्टी खाली हो गया, फिर वो सारे पतीले वतीले उसमें उलट लेते थे और छोटे बर्तन खाली कर लेते थे। तो ऐसे ही जब भगवान रूपी बड़ा जलाशय मिल जाता है, हमारा मन भी अपने जो छोटे छोटे दायरे बना के बैठा था, जहाँ जहाँ प्यार के बर्तन भर के बैठा था, अब वो एक जगह उड़ेलने लगता है, फिर अंदर से मिटाव शुरू हो जाता है। और फिर तुम्हारा वो जो अतिशय प्रेम भगवान के लिए जागता है, उसमें तुम भगवान को समझने लगते हो। लेकिन फिलहाल भी एक बात देखना कि भगवान तुम्हें अछूता नहीं छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखा के तुम्हारे अंदर संकल्प उठा के फिर तुम्हें महसूस कराता है कि देख, जैसे मैं तुझे समझ रहा हूँ तू भी मेरी करुणा समझ, मेरा प्रेम समझ, मेरी कृपा समझ, और अपना मन सब तरफ से हटा के मेरे में लगा। भगवान अछूता किसी को नहीं छोड़ता, भले ही हम लोग एक समय अपने बहावों में बह रहे हों, पर उसके बीच भी आके भगवान हमें अपनी प्रेजेंस फील कराता है। और ऐसे ही हर एक की यात्रा शुरू होती है, धीरे धीरे समझ आने लगती है, और एक ऐसी स्टेज पे आप भी पहुंच जाते हो जहां गुरु को कुछ कहना नहीं पड़ता पर आप समझ जाते हो। क्योंकि सबसे बड़ी जो पीड़ा है गुरु के पास भी, वो तब होती है जब उसको सफाइयां देनी पड़ती हैं कि आज तुम्हें कुछ समझाए फिर बैठ के सफाई दे, या तुम उसके किसी कर्म से शंका में आ जाओ फिर सफाई देनी पड़े, या अकारण ही तुम वाणी से कुछ उठा लो फिर सफाई देनी पड़े। तो ये गुरु के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ा की स्थिति होती है कि इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है भक्त के पास, जिज्ञासु के पास, कि मुझे उसको समझा के फिर जो समझाया उसको भी समझाना पड़ता है, जो कहा उसके लिए भी फिर कुछ कहना पड़ता है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति होती है और ऐसे में अवनति होती है। सो कोशिश करनी चाहिए अपने विचार को दृढ़ करने की, प्रेम को दृढ़ करने की, जागृत होने की, और बार बार गुरु के लेवल से सोचने की कोशिश करो, उनके एटीट्यूड्स को कैच करने की कोशिश करो, बार बार उनका आदर्श अपने आगे रखो। आज हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, हलचल होती है, शोर होता है, लेकिन उनको आगे रखो कि वो भी तो शांत हैं, वो भी तो धीरज में हैं, वो भी तो इतना कार्य करते हुए भी
कैसे सब कुछ मैनेज करते रहते हैं, बिना हलचल में आए, बिना विक्षेपता में आए, तो हम भी कर सकते हैं। एक्सपेक्टेंस अगर उनके अंदर नहीं है, भाई आज हम बुरा मानने वाली बात नहीं, अपने अपने को रख के देखें, तो हमसे गुरु को कौन सा स्वार्थ पूरा हो रहा है? कभी उन्होंने हमसे कोई एक्सपेक्टेंस नहीं रखी, दिया ही है, प्यार ही दिया है, और हम थोड़ी देर में ही अपने घर के लोगों से ही उलझ बैठते हैं, क्योंकि हम अंदर से अनकंसर्न नहीं रहते। अब रोज़ गुरु हमको बोलता है, इस सब को एक पिक्चर के माफिक देखो, जहाँ भी तुम बैठे हो एक पिक्चर चल रही है, लेकिन फिर भी मोहवश, लिहाजवश, लोकारीतवश मन किसी न किसी साइड लुढ़कता रहता है। कभी एक की फेवर करेगा, कभी दूसरे की फेवर करेगा, कभी एक से राज़ी होगा, दूसरे से नाराज़ होगा। पर तुम अपने से एक बात करके देखो, तेरा की तेरे को क्या लेना है? इसका मतलब तुमने फिर अपने को एसोसिएट कर लिया, फिर तुम जुड़ गए, फिर तुम्हें अच्छा बुरा दिखने लगा, फिर तुम्हारा मन लोकारित में फंसने लगा, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। और तुम्हें जबकि गुरु ने एक बात कही थी कि तुम अपने घर में ही मेहमान के सदृश रहना, तुम्हें तो संसार में ही मेहमान के सदृश रहने का है। तो जैसे तुम गेस्ट हो कहीं पर, तो तुम वहाँ पर कुछ इच्छा नहीं रख सकते हो ना, जिनका घर जिनका काम वो जाने। अब गुरु का एटीट्यूड ये वाला है, इस एटीट्यूड से चलो, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा गुरु से। जब तुम देखोगे जिन स्थितियों में तुम्हें विक्षेप पैदा होता था, जिन स्थितियों में तुम्हारा मन उलझता था, जिन स्थितियों में तुम्हें बुरा लगता था, आज तुम अपने को वहाँ रिलैक्स फील कर पाते हो, तो तुम्हारा प्यार बढ़ेगा गुरु से, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और जितना ज्ञान की प्रैक्टिस में रहोगे, तुम्हारा गुरु को अंडरस्टैंड करना भी बढ़ता जाएगा, कैच कर पाओगे, क्योंकि ज्ञान प्रैक्टिस में है। जब ज्ञान प्रैक्टिस में नहीं है किसी के, वो गुरु को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, खाली शब्द सुन लेगा, बुद्धि से पकड़ भी लेगा, ये कहा ये कहा ये कहा, लेकिन वो एटीट्यूड उसको नहीं मिल पाएगा। और एटीट्यूड नहीं मिलता तो प्रेम नहीं बढ़ता। आज जहाँ से गुरु बोल रहा है, अगर उस एटीट्यूड को कोई कैच कर ले, उसकी प्रेमा भक्ति बढ़ने लगती है, उसके भाव बढ़ने लगते हैं, उसका हृदय गदगद होने लगता है, उसको गुरु की करुणा पे कृपा पे नाज होने लगता है, उसको अंदर से अच्छा लगने लगता है, अंदर से उसको खुशी आने लगती है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होवे, गुरु का एटीट्यूड कैच नहीं होवे, तो कभी भी खुशी नहीं आएगी, मन को मोड़ के भी खुशी नहीं आएगी, अपने आप को झुका के भी खुशी नहीं आएगी, अपने आप को बनाने के बाद भी लगेगा हम बना नहीं पा रहे हैं, वो बात हो जाएगी कि ज्ञान भी फिर ऐसे में जहर लगता है। लेकिन अगर हम अपने को बनाते हैं, गुरु का एटीट्यूड हमको कैच होता है, तो ऐसे में हमेशा चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है, खुशी आती है। तो गुरु का एटीट्यूड लेके हमेशा हमको साथ चलना चाहिए, ज्ञान हमेशा हमारे अभ्यास में रहना चाहिए। परिस्थितियाँ तो एक सी हैं, चाहे घर में, चाहे गुरु के पास, चाहे घर के लोगों से वर्तो, चाहे गुरु से वर्तो, परिस्थितियाँ हमारे लिए एक सी हैं। क्यों एक सी हैं? हमारा अहंकार तो एक ही है, ये तो नहीं यहाँ आके अहंकार बदल जाता है और वहाँ रहता है, वही ईगो प्रॉब्लम है, वही द्वैत बुद्धि है, वही सुख बुद्धि है, सारा कुछ वही है ना। तो जब ज्ञान तुम्हारे प्रैक्टिस में रहेगा, तो तुमको यहाँ आके भी उलझन नहीं होगी, हलचल नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आज समझो तुम आते हो,
ठीक है, नज़र पड़ गई, बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अब एक प्रेम वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे से तो इतना अपनापन है, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं थी, है ना। और प्रेम का थोड़ा ही अभाव हो तो मन कहेगा अब ये भी नाराज़ हैं क्या, अब इनको क्या हो गया, इतने संघर्ष से तो हम आए थे, तुम तो अपने ही घर आए हो ना, तुम मेहमान थोड़ी हो, अब प्रेमी बन के चलो। यहाँ पर एक वो बहुत काम आती है चीज़ कि एक बार कृष्ण जी के घर में फंक्शन था, तो सबने देखा राधा तैयारियाँ कर रही है, रोज़ बाज़ार पहुँची हुई है, सामान खरीद रही है, अपने अच्छे अच्छे वस्त्र ले रही है, गहने ले रही है, गिफ्ट्स खरीद रही है देने के लिए। किसी ने पूछा तेरे घर न्योता आया है क्या? भाई हमारे घर तो न्योता नहीं आया, तो इतनी तैयारियां कर रही है, तेरे घर न्योता आया है क्या? हंसने लगी, बोला अपनों को न्योता कौन कौन देता है। अब मायके में अगर शादी है तो लड़की कार्ड की इंतज़ार थोड़ी करती है, वो तैयारियां शुरू कर देती है कि मेरे को तो जाना ही जाना है, बुलाएं ना बुलाएं, कभी कभी घर के लोग भी कह दें, पति भी हंस देगा, आए तो सही तेरी माँ कार्ड देने, कहेगी कार्ड नहीं आएगा तो मैं जाऊंगी नहीं क्या, आपको नहीं चलना हो तो मत चलना, मेरे को तो जाना है, ऐसी भावना करेगी ना। जब भगवान से भी प्रेम है तो हमारी भावना कुछ इस तरह की होनी चाहिए, हमारे विचार कुछ इस तरह के होने चाहिए। जितना गुरु से फॉर्मेलिटी की अपेक्षा करोगे, अंदर ना तुम्हें बार बार ठेस लगेगी, जो उनसे हो जाए उसको बार बार बैठ के गुथो, उससे प्यार बढ़ेगा। लेकिन कोई अपेक्षा करोगे, उम्मीद रखोगे, तो बार बार तुम ठोकर खा जाओगे, अंदर श्रद्धा में खराबी आ सकती है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। और फिर एक बात, तुम्हें गुरु का स्वभाव भी पता होना चाहिए, वो कुछ करते तो हैं नहीं, जो उनसे हो जाता है हो जाता है, कभी कैसे कभी कैसे। और एक ढर्रा भी नहीं बनाना चाहिए कि हमेशा मेरे को एक ही तरह से मिलेगा, कभी कैसे कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कभी हम आए केवल सेवा मिले, कभी हम आए पास बैठने को मिल जाए, कभी हम आए बहुत दर्शन मिलें, कभी हो सकता है हम पूरा दिन दर्शन भी ना कर पाएं, लेकिन मेरा मन बराबर लगना चाहिए। ये नहीं आज तो मन नहीं लग रहा, आज तो लग रहा है घर ही चले जाएं, आज तो लग रहा है हम उदास हो गए, ऐसी फीलिंग्स कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ भी हैं उनसे कनेक्टेड ही तो हैं। मान लो हम सेवा में हैं तो भी तो हम कनेक्टेड हैं, मान लो हम किसी से मेहनती कर रहे हैं तो भी हम कनेक्टेड हैं, मान लो हम अपनी कोई काम धंधा कर रहे हैं तो भी हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही तो कर रहे हैं। भाई आज गुरु मेरे को बोल दे तुम ये छोड़ दो तो हम छोड़ भी सकते हैं, है ना, प्रिपेयर्ड हैं। तो इसका मतलब चाहे हम आजीविका का भी कोई साधन कर रहे हैं तो भी हम कनेक्टेड हैं, क्योंकि उनका हुक्म है ये करना है, मैं तो ये काम भी उनका हुक्म समझ के कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा मुझे ज़रूरत है मुझे चाहिए, मुझे तो उन पर ऐसा एतबार है कि जहाँ बिठाएंगे जहाँ रहाएंगे मेरे को दो फुल्का खिला देंगे, मुझे वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पर जो कुछ भी वो इस शरीर से करवा रहे हैं उनका हुक्म है, जैसे ही हुक्म समझोगे हुक्म का विचार करोगे तुम्हें अपने अंदर फीलिंग आने लगेगी कि तुम उनसे कनेक्टेड हो, तुम उनसे जुड़े हुए हो, तुम उनसे अलग नहीं हो, तुम उनके साथ एक ही कार हो। और पूरा समय इस फीलिंग में रहना चाहिए। जैसे आज हम गुरु के दर पे आते हैं, मान लो हमें सेवा पर्सनल ना मिले उनकी और सेवा मिल जाए, उनके रूम में जाने को ना मिले और कहीं की सफाई फाई करने को मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, खुश मुझे ये होना चाहिए मैं इस धरती पर बैठा हूँ, लोग हाथ फैला फैला के प्रसाद का टुकड़ा मांगते हैं, मैं यहाँ पर खा रहा हूँ पी रहा हूँ,
हर समय इतने डिवाइन वाइब्रेशंस में हूँ, उनके ऑरे में हूँ, इन चीज़ों का विचार करते अंदर एकदम उत्साह, जोश, मौज, बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो बार बार निराशा घेरती है, उदासी घेरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेंस बीच में रहती है और वो आपको निराश कर देती है। पर आप केवल प्रेम के भाव में रहो, आपका अंदर वाला खिल जाएगा, खुश रहेगा, एवर इन मूड रहोगे, एवर स्माइलिंग रहोगे, इवन किसी के कर्म में, स्वभाव में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि कौन सा कर्म है किसी का, कौन सा स्वभाव है किसी का। बात वही है राबिया वाली, जिसका मन भगवान से खाली हो वो किसी को शैतान भी देखे, जिसका मन अपने भगवान से खाली नहीं है वो किसी को शैतान कहाँ से देखेगा। अब मेरा मन मेरे भगवान से भरा रहना चाहिए, मैं हर समय उनकी मौज में, उनके प्यार में, उनके उत्साह में, हर समय मैं अंदर से गदगद रहना चाहिए। जैसे अभी समझो भजन चलता है तो बड़ा गदगद होता है कभी अंदर वाला, बैठे बैठे भी टांग चलती है, पैर चलता है, जैसे नाच रहा है रोम रोम, बैठे बैठे भी मज़ा आता है ना, किसी के मुंह से जय हो भी निकल जाता है, किसी के मुंह से वाह वाह भी निकल जाता है ना, होता है ना। ये स्थिति हमारी पूरा दिन रहनी चाहिए, हम हमेशा भगवान की मौज में होने चाहिए, एक आनंद की लहर में, जैसे सागर है ना उसमें लहर रुकती नहीं है, इसी तरह से मेरे मन में भगवान के प्रेम के हिलोर रुकने नहीं चाहिए, सारा समय आनंद बाजे बजते रहें, मौज होती रहे, प्रेम बरसता रहे, मैं उस धूली में स्नान करता रहूं। आज वो मानसरोवर तो किसी ने देखा नहीं जहां कौआ जाके हंस बन जाए, कहानियों में है, शास्त्रों में है, पर प्रैक्टिकली हम लोगों ने ना देखा ना सुना कि ऐसा कोई मानसरोवर भी है जहां स्नान करके कौआ हंस बन जाए। लेकिन वो मानसरोवर आज सतगुरु की दरबार में ज़रूर देखा है। हम सब काग वृत्तियाँ हो गई, गुरु के पास आके हम जाग गए, गुरु के पास आके गुरु के चरण रज में स्नान करके हमारे अंदर हंस वाली वृत्ति हो गई। अब हंस वाली वृत्ति क्या है, हंस को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जाती है कि हंस पक्षी के पास चोंच में भगवान ने एक ऐसा पदार्थ दिया है कि जैसे ही वो दूध में मुंह डालता है, खट्टा पदार्थ है, दूध फट जाता है और वो दूध दूध का जो पनीर सा होता है वो खा लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये वृत्ति गुरु के पास आके हम सबकी बन जाती है, हमारे अंदर से काक प्रवृत्ति निकल गई जिसमें हम कचरे में मुंह मारते थे, हंस प्रकृति हो गई कि शुद्ध को भी विशुद्ध करके लेते हैं। हंस प्रकृति क्या होती है, संतों को परम हंस क्यों कहा जाता है कि वो शुद्ध को भी विशुद्ध करके स्वीकार करते हैं, है शुद्ध लेकिन उसको भी विशुद्ध करके स्वीकार करेंगे, है प्रेम, जैसे समझो संसारिक व्यक्ति का प्रेम है, वो प्रेम को भी मोह करके वासना करके स्वीकारेगा, और एक परम ज्ञानी है उसका भी प्रेम है, वो प्रेम को भी भगवत प्रेम करके स्वीकारेगा, दैहिक स्तर पे प्रेम नहीं करेगा, तो उसने शुद्ध को भी विशुद्ध कर लिया। अब हमने दिया तो हंस को पीने को दूध, उसने दूध में से भी सार ले लिया। ऐसे ही जो सात्विक प्रकृतियां हैं
उनको भी स्पिरिचुअल करके स्वीकार करता है, ये अंश प्रकृति हो जाती है। और उस प्रकृति में जब हम वर्तते हैं तो पूरा समय हम अंदर से आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। पर इसकी महिमा पता है कहाँ पर है? सतगुरु के चरण रज में, और कहीं नहीं मिलेगी, गुरु के वचन रज में। चरण रज क्यों बोलते हैं कि चरणों की मिट्टी ऐसे तो उड़ती रहती है खा के, लेकिन उनके पंच भौतिक देह में भी इतना नूर आ जाता है कि जो रज भी उनको स्पर्श कर लेती है, खाली वो स्पर्श भी हम मस्तक पे लगाएं, विवेक जाग जाता है। इतना उनकी चरण धूल की भी महिमा है। लेकिन हमारे यहाँ चरण धूल की बात नहीं आती है, तो हम लोग वचन धूल की बात करते हैं कि जो वचन चलते फिरते सहज भी निकलता है गुरु के मुख से, ये भी जागृत करने वाला होता है। एक सत्संग वाला समय जहाँ फ्लो में एक वाणी चल रही है वो अलग हो गया, चलते फिरते भी कभी अचानक बैठे हुए भी गुरु के मुख से एक शब्द निकल जाता है, वो भी अंदर जाके टच करता है, वो भी एक अवेयरनेस देता है। तो ये वचन रज ये भी हमको बहुत उठा देती है। हम इस तरह के गुरु के स्वरूप के मनन में रहें। गुरु के रूप का मनन बाहरी शरीर के रूप का मनन नहीं होता, ये जो उनकी विभूतियाँ हैं, ये जो उनका तत्व स्वरूप है, ये जो उनका तेजोमय स्वरूप है, ये जो उनका जागृतियाँ देने वाला स्वरूप है, ये जो उनका स्वरूप जिसको देवी देवता भी तरसते हैं, वो उनका स्पर्श जो अचानक से किसी के अंदर भी परिवर्तन ला दे, उनके इस स्वरूप का मनन जिज्ञासु को बार बार करना चाहिए, जिससे उसकी भक्ति में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भक्ति और ऊंचाइयों की तरफ चलती है। गुरु से एक शाश्वत संबंध जोड़ के, लेकिन उस संबंध की गरिमा का विचार करो बार बार। पहले प्यारे का विचार करो, उसकी महिमा का, ऐश्वर्य का, विभूतियों का विचार करो, फिर जो उससे अलौकिक संबंध जुड़ा है उसका विचार करो। तुम्हारे मन में अपने शरीर सहित पूरे जगत की कोई माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। हम एक पेपर लैमिनेट करा लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, ना ये गीला होगा ना ये फटेगा, अब ये सेफ हो गया। एक सिर्फ खसी पेपर है एक छोटा सा, लेकिन लैमिनेट होते ही वो इतना सिक्योर हो गया। इसी तरह से ये जो प्रेम है भगवान का, गुरु का, ये एक लेमिनेशन का काम करता है। भगवान का ओहरा एक लेमिनेशन का काम करता है, वो आपकी चित्त वृत्तियों को एकाग्र रखता है, आपके मन को फियरलेस बना के रखता है, आपको अंदर से नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दो तो जो छुटर पुटर मन में कचरा आता है वो भी सब खत्म हो जाएगा, उसकी आवश्यकता रहेगी नहीं। जागृत होके चलने का है। गुरु के साथ जो हम जुड़ते हैं ये कोई साधारण सांसारिक मिलन नहीं होता है, ये अद्वितीय अलौकिक मिलन होता है। और इस मिलन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, तू तू ना रहे, मैं ना रहूं। हम राम में ऐसे रम जाएं, पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। हम यहाँ आपा गवा के भगवान से एक होने के लिए आते हैं। हम यहाँ पे अपनी हस्ती बचा के नहीं रख सकते, हम यहाँ पे अपना अहंकार बचा के नहीं रख सकते, हम यहाँ पे अपने आप को सही सिद्ध नहीं कर सकते, पर यहाँ हम सिर्फ आपा गवाने आते हैं। आप एक चीज़ देखना, संसार में हर चीज़ बोरियत पैदा करती है, भगवत प्रेम बोरियत पैदा नहीं करता है। बहुत ज़्यादा एक रूटीन में भी थक जाओगे, लिखने पढ़ने में भी थक जाओगे, और कामों में भी थक जाओगे,
लेकिन देखना भगवान के इस प्रेम में कोई थकान नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कंप्लीट रिलैक्सेशन। और जैसे मछली सालों के साल पानी में है, बोर हुई है, ऐसे ही भगवत चिंतन, गुरु का चिंतन कभी बोरियत नहीं आने देता है। मेरे से उस दिन किसी बच्चे ने पूछा था, बोला आप रोज़ वही बातें गुरुजी की रिपीट करते हैं, आपको बोरियत नहीं आती? मैंने कहा जिस दिन मछली पानी से बोर हो जाएगी, हम भी बोर हो जाएंगे। मछली हो सकती है पानी से बोर, उसका जीवन है। और तुम हो सकता है बोर हो जाते हो कि हम फिर वही बातें करते हैं, पर हम जितनी करते हैं हमको मज़ा आता है, हम जितनी करते हैं हमारे अंदर एक नया चैप्टर खुल जाता है, हम फिर सारा दिन उसी मौज में रहते हैं, फिर याद करते हैं, तो बोरियत कहाँ से आएगी? असल में तो यहाँ बोरियत शब्द ही वर्जित है। भगवान कोई एंटरटेनमेंट है कि एंटरटेनमेंट और बोरियत की हम बात करें? श्वास से बोरियत आती है क्या? नहीं, श्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसी तरह से गुरु का चिंतन, गुरु की महिमा का चिंतन, गुरु की लीला का चिंतन, ये सब महाप्रसाद है। और दिल इससे कभी अघाता नहीं है, बशर्ते किसी को अंदर से ये प्रेम जागे। प्रॉब्लम क्या होता है, इंसान के अंदर ये प्रेम, ये भक्ति, ये भावनाएं जागती नहीं है। वो भगवान के दर पे आके भगवान का, माया में जाके माया का, इसीलिए चख नहीं पाता। नहीं तो एक बार कोई इस रस को चख ले, एक बार किसी के अंदर ये रस आ जाए, पीछे तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये प्रॉब्लम इंसान के अपने भीतर की है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इस रस को वो चखता ही नहीं, चखे ना, जहाँ रहेगा वहीं आकाश में उड़ता फिरेगा, जहाँ रहेगा वहीं मौज में रहेगा। हम लोग पेपर देने भी जाते थे ना, इम्तिहान होते थे, वहाँ भी फेस स्माइलिंग होता था। बच्चे बोलते थे तुमको इतना ज़्यादा आता है, क्या चक्कर है, और तुम इतने रिलैक्स, इतने हैप्पी कैसे हो? सबके चेहरे पे हवाइयाँ होती हैं उड़ी हुई, दिखता है ना स्कूल के वो माहौल, डर वाला, घबराहट वाला। पता नहीं हम लोग किस खुनकी में रहते थे, क्वेश्चन पेपर भी बटते रहते थे, टीचर भी मुंह देखता था कि बच्चे कांप कांप के पकड़ते हैं क्वेश्चन पेपर, हम लोग स्माइलिंग फेस से पकड़ते थे। असल तो अंदर भगवान होते थे, असल तो वो फील होते रहते थे, मैं जिथे जिथे जावां गोपाल मेरे नाल, वो फील होते थे। अब ये भाव तो कोई समझ नहीं पाता था, तो लोग सोचते थे पता नहीं ये लोग क्यों हैप्पी हैं, क्यों ये लोग खुश हैं, क्यों ये लोग एवर स्माइलिंग हैं। तो ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, ये प्रेम की बात है। जिसके अंदर भगवत प्रेम आ जाएगा, वो जहाँ है उनसे कनेक्टेड अपने को फील करेगा, और हर समय आपके भीतर वाला भगवान से जुड़ा हुआ ही महसूस करेगा। जो चीज़ें कल बुरी लगती थी, आज वो बुरी भी नहीं लगेंगी, क्योंकि ज्ञान कोई ना कोई बीच में खड़ा है, ज्ञान की बात बीच में खड़ी है। कुदरती है ना भगवान, हर जगह शामिल, ज्ञान हर जगह शामिल, हर जगह आ जाता है। आज सुबह भी अचानक हाथ से सूट गिर गया हमारा किसी के, तो हम हंस रहे थे। मैंने कहा देखा मेरे कपड़े भी बेचारे डाउन टू अर्थ हो गए, और कहाँ तो बुरा लग जाता, ध्यान से उठाओ, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, कहाँ तो विक्षिप्तता होती, और कहाँ अब भगवान आ जाता है बीच में, बात आई गई हो जाती है, हंसी में ख़त्म हो गई। फिर अंदर विचार चल जाता है कि ये तो डाउन टू अर्थ हो गया, सही बात है, गुरु ने अंदर वाले को डाउन टू अर्थ किया होगा, तो आज हम इसके लिए भी कह सकते हैं,
फिर विचार चल के आज वाणी में भी ऐसी नम्रता कैसे आ सकती है। फिर बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, सारा श्रेय फिर गुरु की तरफ चला गया कि उनकी कृपा, नहीं तो पल पल में शोर विक्षिप्तता क्रोध ये सब हमारे साथ ही चलते रहते थे। तो ऐसे हर समय एक कनेक्शन बना लो, ज्ञान का अभ्यास बना लो, तो तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं है, कोई उलझन ही नहीं है। मन को वक्त भी तो देते हो ना, ये आ जाता है, पता नहीं इसको क्यों एंट्री दे देते हो। पहले से इतने भरे रहो, एक पानी से ही पतीला भरा पड़ा हो, दूध भी डालना चाहो नहीं डाल सकते, अब बाहर गिरेगा। मन इतना लबालब कर दो भगवत प्रेम से कि और किसी चीज़ की एंट्री ना हो ना। क्या आवश्यकता है इस एंट्री की, कोई एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। दूजा ख्याल कहाँ से आ जाए, दूजा ख्याल क्यों आ जाए। हर चीज़ में अब आज समझो आउट ऑफ द वे हमें मिलता है। कभी कभी कोई बच्चे आ जाते हैं, हमारा मन तो है आपके पास रहने का रुकने का, पर बीच में मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होगा, लैपटॉप पे काम करना होगा। अब ऐसे देखा जाए तो स्थान नहीं है ऐसे काम के लिए, आना है भाई दो दिन छुट्टी लेके आओ ठीक से। पर तुम्हारा प्रेम देखते हुए तुम्हें आउट ऑफ द वे भी अलाउ कर दिया जाता है। अब तुम्हारे लिए यही सोच कितनी बड़ी हो जानी चाहिए कि मुझे आउट ऑफ द वे जाके दिया जा रहा है, मेरे पे विश्वास किया जा रहा है। विश्वास ही तो रखा ना, अब हमको क्या पता तुम ऑफिस का काम कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, हमें पता है कोई, पर हम एक विश्वास रखते हैं। अच्छा, हमारे प्यार पे भी विश्वास रखा जा रहा है, जय अभी टूटा फूटा ही है, हम खुद ही जानते हैं पूरा नहीं है, लेकिन हमारे उस भाव की भी इज्जत की जा रही है, मान किया जा रहा है कि नहीं तुम्हारा इतना प्यार है, अच्छा अच्छा तुम रह जाओ, आ जाओ, तुम कर लो। बल्कि कहाँ सेवा होनी चाहिए हमसे और कहाँ हमें दूसरों की सेवा मिलती है, भाई सब बन गया, हमें आवाज़ आ जाती है, आ जाओ प्रसाद खा लो, आ जाओ चाय पी लो, अच्छा बिजी हो तुम्हारे पास ही दे दें चाय का कप, हमें उल्टा मिल रहा है सबसे। अब हम इन सब चीज़ों का ख्याल करें, कहाँ मन कहाँ बातें, ऐसे नहीं लगेगा कि मैं तो धरती से 6 इंच ऊपर उड़ रहा हूँ। ऐसी कृपा किस पे होती है, ऐसी मेहरबानी तो घर में माँ भी ना करे। अभी था ना वर्क फ्रॉम होम, सबकी माओं ने चप्पलें मारी हैं लड़कों को, पूछ लो बैठ के, सबकी माएँ बोलती थी तेरा ऑफिस नहीं खुल रहा, तेरा स्कूल नहीं खुल रहा, निकल मुआ घर से, बैठा है सारा दिन चढ़ के, हिल जा पानी खुद पी ले। और बॉस से मीटिंग चल रही हो, बीच में माँ आके 2-4 सुना के भी चली जाती है, कईयों की तो नौकरी पे भी बनना ही बेचारों की, बोला मेरी माँ ने बॉस को ही गालियाँ दे दी 2-4, उसने सुन लिया, ऐसा भी हो गया कईयों के घर में। और भगवान की कृपा देखो, जहाँ हमें इतना स्पेस मिल रहा है, जो घर के लोग ना दे सकें, ससुराल वाले ना दे सकें, मायके वाले ना दे सकें, हमारे लिए चीज़ें इनफ नहीं होनी चाहिए हवा में उड़ने के लिए, हमें मान नहीं होना चाहिए इन चीज़ों का। फिर हमारे पास ये छोटी छोटी बातें नेगेटिविटीज़, इनका कोई काम रहता है क्या, कोई भी काम नहीं। हमें फुली स्पेस मिल रहा है अपना प्रेम बढ़ाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए, और दुख दर्द और मिट गए, बीमारियां और चली गईं, दवाइयां और ख़त्म हो गईं, पैरों पे और खड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, क्या ये सब एक चमत्कार से कम है। अगर हम अपनी लाइफ देखें, कल भी मैं सोच रहा था, अगर एक एक जना बैठ के ईमानदारी से जिस दिन से गुरु के पास आया लिखने बैठे, चमत्कारों से हमारे कमरों के कमरे भर जाएंगे। हर एक की जिंदगी में चमत्कार हैं, वो खेल तमाशे नहीं है कि यूँ घड़ी निकाल दी, चीज़ निकाल दी, लेकिन जो डिफरेंस, जो चेंजेस हमारे लाइफ में आए हैं, चमत्कारों से कम तो नहीं है। आज हम दुखों में दुखी नहीं हो रहे, रो नहीं रहे, हलचल में नहीं आ रहे, परेशान नहीं हो रहे, कम है ये बातें, कितनी बड़ी बातें। आज हमारे पास
एक विचार है, जहाँ हम उलझते हैं, गुरु को याद करते हैं, हम खाली हो जाते हैं। हमारे पास एक दर है, जहाँ हम प्रवेश करते ही परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे पास एक शरण है, जहाँ सिर रखते ही ख्यालों से खाली हो जाते हैं, दुखों से छूट जाते हैं। हमारे पास एक ऐसा भगवान है जो रोज कहता है, आओ एम्प्टी योर सेल्फ टू मी, आओ अपने आप को मेरे में खाली कर लो और तुम फिर प्रेम से लबालब हो जाओ, आनंद से भर जाओ। इतना कुछ हमारे पास, जिसको कल सहारों की ज़रूरत थी, आज वो बेसहारों का सहारा बन गया। देखो तो सही, दादाजी का वो भजन आज सिद्ध है, दास बनना था मैं तो वही हो गया, दास बनने आया था गुरु के पास, उन्होंने तो अपना रूप ही बना डाला। मुझे ज़रूरत होती थी काउंसलिंग की, आज मैं काउंसलर हूँ। मेरे को लगता था मुझे अपनी ज़िंदगी के दुखों से कोई उबार नहीं सकता, आज मैं सुख बांटता फिर रहा हूँ। लोग मेरे को थैंक यू करते हैं, आपने मेरे को रिलैक्स कर दिया, आपने मेरी जीवन बना दी। शुरू शुरू में तो ना हम कितनी कितनी देर लोगों का मुंह देखते रह जाते थे, हमने कुछ किया है, हम कहाँ कर सकते थे, हम तो खुद बेसहारा फील करते थे। अरे ये गुरु ने कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, कैसी स्थिति पे ले आए भगवान हमें। अब ये सब विचार करो, कितना मज़ा आए। भगवान बोलते थे, हम तुम्हें कोई सेवा देते हैं, अब समझो उस सेवा में भी हम बुला के बार बार त्रुटियाँ निकाल देते हैं। जैसे शुरू में होता था ना, प्रसाद सर्व होना है, कुछ होना है। तो जब लार्ज स्केल पे हुआ सत्संग 2000 के बाद, तो बहुत भीड़ हो जाती थी, प्रसाद बटने हैं, प्रसाद बनने हैं। अब आता तो हम लोगों को भी नहीं था, थोड़ी थोड़ी देर में अंदर बुलाए जाते थे, इसका क्या किया, उसका क्या किया, ये ऐसे क्यों किया, वो वैसे क्यों नहीं किया, खिला कैसे रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में गलतियाँ निकाल दी जाती थीं। भगवान बोलते थे, तुम ये शुक्र नहीं करते हो मैं तुम्हारे चिंतन में हूँ, मैं यहाँ से बैठ के तुम्हारा चिंतन कर रहा हूँ तो बाहर तुम्हारी सृष्टि अच्छी चल रही है। अरे ये तो नज़रिया कभी समझा ही नहीं था, ये एटीट्यूड तो कभी कैच किया ही नहीं कि आप अंदर बैठ के हमारे ही चिंतन में हो। और बोले फिर एक एक भूल हम बता रहे हैं तुम्हें, जीवन में हम कितना अनुभवी बना देंगे। और आज वो चीज़ हम फील करते हैं कि उन्होंने इतना सिखाया समझाया, आज इतने बड़े बड़े यज्ञ इतने आराम से हो जाते हैं, इतने प्यार से हो जाते हैं। वरना तो हम लोगों को भी कुछ नहीं आता ना, तो अगर दूसरे नज़रिए से चलोगे बड़ा मज़ा आएगा, और एक अपने अहंकार के दृष्टिकोण से चलोगे बहुत उलझन पैदा होएगी, बहुत परेशानी होएगी, सारा दिन मन तुम्हारा कुड़ 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 करता ही रहेगा, उसको रस आ ही नहीं सकता। क्योंकि देखे ना, गुरु की भलाइयाँ याद करे, प्यार याद करे, मिला हुआ सब याद करे, उनके प्रेम में तभी डूब पाएगा। और जैसे ही उस प्रेम में डूबता है, अब भगवान एक बात और हम लोगों से कहते होते थे कि मेरे अंदर ख्याल आए और तुम उठ के काम कराओ, इतना तुम्हारा प्यार से कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए कि मैं कुछ कहना चाहूँ और तुम समझ जाओ हम क्या कहना चाहते हैं। अब ये प्यार में ही अंडरस्टैंडिंग बन सकती है ना। इतनी पिक्चरों में तुम्हारे बोलते हैं दो जिस्म एक जान, पर गुरु जान लगा देता है कि कैसे तुम मेरे से अंदर से मिलके एक हो जाओ। मिले मिलिया ना मिले, जो मिले मिलिया होए, अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। ये बार का मिलना कोई मिलना नहीं है, पर अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए, ये अंदर का मिलाप हो जाए, अंदर से भगवान से मिलके एक हो जाएं, हमें पता चले। कई लोग उलझते हैं, हम खुशी नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते हम क्या करें,
प्यार ही नहीं है उस लेवल पे। प्यार होगा तो तुम समझ पाओगे उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरे से वो क्या उम्मीद रखते हैं, मेरे को वो कैसा देखना चाहते हैं, ये सब अपने आप को समझ आने लगता है। और उसके बाद गुरु को भी समझाना नहीं पड़ता, तो अंडरस्टैंडिंग एक बनानी पड़ेगी ना, पता होना चाहिए उनको क्या पसंद है। अब हम लोग नए नए गए, हमें एक बात समझ में आ गई, भगवान कहते थे जिसका सत्संग से रिश्ता नहीं मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, हम धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं। अब इतना डर लग गया एक इसी सेंटेंस से, सत्संग समझ नहीं आता था, उम्र भी छोटी थी, पर डर लगता था भगवान ना छोड़ देंगे एक दिन हमको, तो ज़बरदस्ती अपने को सत्संग में बिठाया। फिर भगवान बोलते थे जो बोलता नहीं सत्संग में हम समझ जाते हैं ये ना इनका ध्यान नहीं होगा, ऐसे को भी बिठा के क्या करना है, धरती तुम्हें जगह नहीं देगी, फिर एक नई टेंशन, पॉइंट भी बताना है तो ज़बरदस्ती कॉपी पेन लेके जाना, पॉइंट भी लिखना, और जैसे ही वो वाणी को विराम दे फटाफट हाथ उठा के पॉइंट बोलना, आंटियाँ बोल देती थी आसपास वाली, तो फिर लगता था हमारे पास नया पॉइंट नहीं है, अब हम क्या बताएंगे। और भगवान सत्संग ख़त्म होते ही दो चार से पूछा, इशारा भी कर देते थे, नाम लेके बोल देते थे, हाँ बोलो। तो इस चक्कर में तो ऐसे सत्संग सुनना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे रस आ गया, धीरे धीरे मज़ा आ गया, सत्संग करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। भगवान बोलते थे क्यों, मुझे तुम्हारी जीवन जैसी पसंद है। अच्छा जी, इस चक्कर में सत्संग करना शुरू किया, आता जाता कुछ नहीं, उम्र इतनी छोटी, लोग देख के ही हंसते थे इसको क्या आता होगा, गुरु की वाणी ले लेके जाते थे, गुरु जी का लेटर आता था उसमें दो या तीन वाणियाँ और अच्छी चार चार छः छः पेज की, आधे सत्संग तक सारा सामान खत्म हो जाता था, पढ़ पढ़ा के समझाना बहुत आता नहीं था, तो लेटर पढ़ना, एक वाणी दूसरी वाणी तीसरी वाणी, और घड़ी देखो तो आधा ही घंटा हुआ है अभी, तो अब बाकी आधा घंटा क्या करें। ऐसी ऐसी परिस्थितियां भी आईं चलते चलते, लेकिन एक बात थी, उनके प्यार को पाना है, उनको जीत के रहना है, उस चक्कर में चलते चले गए, उस चक्कर में बढ़ते चले गए। तो एक खसिस दुनियावी आदमी भी होता है, वो भी सोच लेता है कि मुझे अगर किसी का दिल जीतना है, मुझे उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसको अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से अपने को बनाना है, ऐसा प्यार बढ़ाना है कि मुझे कभी उसकी कोई बात बुरी ना लगे, है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पर भी होना चाहिए, हम उनके प्यार को पाने के लिए अपने को मोड़ते जाएं। मैं तुम्हें बताऊं, ज्ञान से भी टाइम लग जाता है लेकिन प्यार में वक्त नहीं लगता है अपने को मोड़ने में ना, अगर आप देखो ज्ञान के हिसाब से फिर भी वक्त लगता है मोड़ने में अपने को, मन को बनाने में, मंथन करने में, पर प्यार एक ऐसी औषधि है, इसमें मन मुड़ भी जाता है, पता भी नहीं चलता, तकलीफ भी नहीं होती, बहुत जल्दी मन मुड़ जाता है, लगता है ठीक है, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम मोड़ सकते हैं अपने आप को, हम चेंज हो सकते हैं, हम परिवर्तन ला सकते हैं अपने अंदर, बहुत जल्दी मन मुड़ता है। प्यार होता है जिससे उसकी पसंद का बनने को मन करता है, जिससे प्यार होता है उसकी बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। गुरु से भी जब प्यार होता है, चाहे वो समझा किसी और को रहे हों, हम झटपट उठा लेते हैं बात, अच्छा इनको ऐसा पसंद है, अच्छा ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक हमको अपने को ऐसा बना लेना है। ज़रूरी नहीं पर्सनली कहा जाए, हम तभी अपने को बनाते हैं, लेकिन हम अपने को बना लेते हैं, हम उनके प्यार की खातिर अपने आप को मोड़ लेते हैं, हम उनके प्यार की खातिर अपने आप को चेंज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और यही सबसे बड़ी निशानी है प्यार की। प्यार आपको मोड़ सकता है, प्यार आपको बदल सकता है, और बिना तकलीफ के बदल सकता है। अब ऐसे ईगो छोड़ना सबके लिए मुश्किल होता है,
लेकिन हम देखते थे गुरु के प्यार में बड़े बड़े जेंट्स समर्पित हो जाते थे, सब उनके पैरों में झुक जाते थे, समझ आता था ये उनके प्यार का करिश्मा है। नहीं तो जेंट्स लोग किसी के आगे झुकते नहीं, सुनते नहीं हैं किसी की। और भगवान तो जिस दिन जोश में आते थे गाली भी दे देते थे, किसी को पर्सनली भी गाली दे देते थे, पर अगले लोग हाथ ही जोड़ के खड़े रहते थे, अगले लोग झुकते ही थे, रोते ही थे। एक बार एक जेंट्स को मैंने देखा था, 50-60 साल का होगा, निष्काम में ही कोई भूल हो गई, भगवान ने इतनी जोर से डांटा सत्संग के बीच में, नाम लेके पर्सनली, 2 घंटे रोता रहा वो, चुप ही नहीं हुआ बेचारा, हिचकियां ले लेके। पर उसके बाद भी देखा, फिर गुरु के पास आके माफ़ी मांगी, फिर अपने आप को बनाया, फिर अपने आप को बदला, फिर समर्पण किया। तो ये इतना गुरु से प्यार होगा ना तब तो, नहीं तो इंसान भागी जाए, ऐठी जाए, मेरे को ऐसे कहा, मेरे को गाली दी, मेरे को मान नहीं दिया। बहुत लोग ऐसे चले भी जाते, जैसे समझो आए, अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम मिल नहीं पाए, फ्री नहीं थे, तो उनको लगता है हम यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करें, घर ही चले जाएं, कोई काम ही संवार लें। तो ये प्रेम नहीं है ना। आशिक तो इंतज़ार में रहेगा, चकोर की तो मरने के बाद भी आंखें खुली हैं, चांद की तरफ ही देख रहा है, और यहाँ थोड़ी देर की प्रतीक्षा में भी दम निकल जाता है। इससे अच्छा हम घर चले जाएं, इससे अच्छा हम अपने काम धंधे कर लें। अरे तुम आए हो, समय लेके सेवा कर लो, बहुत सेवाएं हैं, कर लो बैठ के। लेकिन नहीं, मन कहेगा मेरे को VIP ट्रीटमेंट मिले, रूम में बैठने को मिल जाए जितनी देर बैठा हूँ, नहीं तो मैं भी चलता हूँ। तो फिर जब तुम्हारी मुख की प्रीत है तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता, फिर वो भी क्या कृपा करे। क्या तुम्हारे अंदर प्रेम जागे, भक्ति जागे, जोश जागे, शौक जागे, कहाँ से आएगा? ये आएगा ही नहीं, क्योंकि सोच ही बड़ी निम्न है। भगवान के दर पे ये सोच के कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता। गुरुद्वारे सब जाते हैं, मेन दरबार में थोड़ी देर बैठ के वाणी सुनते हैं, फिर सेवा में लग जाते हैं, जहाँ जिसको सेवा मिलती है। तो तुम्हें तो रोज़ मेन दरबार में बैठने को मिलता ही है, उसके बाद पूरा दिन तुम सेवा में रहो, भक्ति में रहो, कार्य में रहो, और फिर भी गुरु ध्यान रखता है, चलो बुला लें, बिठा लें, बात कर लें, फिर भी गुरु ध्यान रखता है। लेकिन मन हमारा फिर भी अपनी तरीके से चलता है, अपनी भावों में चलता है, पर हम क्या कर सकते हैं। एक बार कोई आया गुरुजी के पास, जब भगवान जाते होंगे कभी कभार, बैठता होगा सत्संग में, उसका कुछ बिजनेस था उधर, आता था भगवान के पास जब जब आया होता था, तो भगवान उसको बोलते थे आप सत्संग के समय आइए, किसी भी टाइम आ जाए, और फिर बोलता था दर्शन कराओ। अब कभी वो बिजी हैं, कभी कुछ हैं, अंदर जाने से हम लोग ही डरते थे सबसे पहले तो, और हर बार एक बंदे की खबर लेके जाओ तो पता लगे किसी दिन हमें ही पीट देंगे पकड़ के, कि जब अगला सत्संग तक ही नहीं आता, बार बार तुम खबर लेके आते हो उसकी। लेकिन उसका काम यही था, बार बार यही करना, बार बार यही करना, ना अपने शहर सत्संग जाना, ना गुरुजी के पास सत्संग। भगवान बोलते थे हर बार बिजनेस के लिए आप आते हैं, कभी सत्संग के लिए भी आइए, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। वो बोलते थे अच्छा आपने बिजनेस के लिए आए हो, एक दिन फालतू रह जाओ, सत्संग के लिए रह जाओ, नो टाइम। तो एक बार वो आया, हम अंदर गए बताने, डरते डरते ही गए, हमने कहा भगवान वो फिर खड़े हैं बाहर, वो अभी खाना ही खा के चुके थे, शायद रेस्ट ही करते, क्या करना है। बोला आज उसको जाके कह दे कि गुरुजी कह रहे हैं हम नहीं मिलेंगे, बहुत हो गया। अब वो बोलता है फिर गुरुजी से पूछो कैसे मिलेंगे, हम फिर गए, मैंने कहा भगवान वो पूछ रहा है कैसे मिलेंगे। बोला उसको बोलो पहले अपने शहर में सत्संग का नियम बनाए, रोज का सत्संग।
उसके बाद जब यहाँ आए तो भी सत्संग के समय आए, फिर हम देखेंगे हमें कब कब समय देना है। ज़रूरत होगी हम सत्संग के बाद खुद रोक के बुला लेंगे, पर उसको बोलो पहले सत्संग का नियम बनाए। अपने शहर में ही सत्संग का नियम नहीं तो हम कोई यहाँ पे खाली बैठे, कोई एंटरटेनमेंट चैनल खोला है हमने कि तुम आओ हम तुम्हारा मनोरंजन कर दें, तुम्हें कमरे में बिठा लें, बातें कर लें, चाय पानी पिला दें, चलो भाई तुम अपना मौज मस्ती करो और जाओ। बहुत स्ट्रिक्टनेस से बोला भगवान ने। एक बार तो हमको भी अगले को बताने में दम लगा, पर मैसेज तो देना था। बड़े प्यार से बोला कि थोड़ा सा नाराज़ हैं गुरुजी, आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को हमें भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। अब जब 10 बार वो अटेंड कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी प्यार कर रहे हैं, पास बिठाते थे, घंटा भर चाय पिलाना, खाने का समय खाना रूम में खिलाना, इतना कर रहा है गुरु, हमने गुरु को अंडरस्टैंड कहाँ किया, हमने उनको कहाँ समझा, हमने कहाँ सोचा कि उनकी पसंद क्या है। तो जब हम अपने को नहीं मोड़ेंगे बात नहीं बनेगी। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मन को मोड़ें, अपने आप को चेंज करें, प्रेम में नज़रिए बदलते जाएं, तो धीरे धीरे सारी सृष्टि से भी प्यार करना आ जाएगा। शुरू में उलझन होती है क्योंकि हम अपनी रिजर्व नेचर्स लेके आते हैं, कर्म स्वभाव देखने की बीमारी होती है, जहाँ बैठे वहीं से कचरा उठा लिया, जहाँ बैठे वहीं चिढ़ गए, जहाँ बैठे वहीं से कोई गलत बात दिमाग में आ गई। लेकिन धीरे धीरे गुरु का नज़रिया अपनाते अपनाते हम सारी सृष्टि को अपनाना सीख जाते हैं, सारी सृष्टि से प्रेम हो जाता है हमारा, सब अच्छे लगने लगते हैं, सब प्रीतम दिया सखियाँ ने, मज़ा आने लगता है, हर एक के साथ मन मिलने लगता है, फ़र्क ही नहीं लगता घर में, सत्संग में, गुरु भाइयों के बीच, ऐसे लगता है सब एक है, क्योंकि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना काई। कल भी मुझे किसी ने अपना अनुभव सुनाया, कहीं उन्होंने नाम दान लिया हुआ होगा, बोले सत्संग में बैठे बैठे कभी आप दिख रहे थे, कभी वो दिख रहे थे, बोले ध्यान भी नहीं किया मैंने उनका, पर वो दिख रहे थे। तो मैंने कहा भगवान ने निश्चय कराया ना, मैं एक ही हूँ, मैं जुदा नहीं हूँ, नाना रूप धरे बहुरंगी, एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके लीला कर रहा है। लेकिन अब गुरु के संदर्भ में स्वीकार लोगे, पर दृष्टि ऐसी बनाओ कि जहाँ देखो अपने भगवान का नूर देखो ना, जहाँ भी देखो ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह मैं पाऊँ, मज़ा तो तब आएगा। हर जगह भगवान को देखो, हर जगह उनका नूर देखो, हर जगह उनका प्यार देखो, हर जगह उनकी कृपा देखो, सब में उसका नूर समाया, सब में बैठा प्रभु बताया। अब जैसे कईयों का अनुभव है, खैरिये तो कि हमने गुरु को देखा, जहाँ फिर पहले जाते थे उनको देखा, अरे एक ही दिखा, आप में वही दिखे, उनमें वही आप दिखे, कईयों का अनुभव है। फिर भगवान की हर मूरत में ऐसा ध्यान लगाओ ना कि तेरे को अपने प्यारे की सूरत नज़र आने लगे, अब हो जाएगा सबसे प्यार, अब अपना लोगे सारी सृष्टि को। ज्ञानी कैसे प्यार कर सकता है, कैसे अपना सकता है? एक ही तरीका है कि उसका निश्चय है, एक ही नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, एक ही नूर से ये सारा जग उत्पन्न हुआ है, एक ही नूर परमात्मा का, सब उसी के नूर से प्रकाशित है और कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवाय कुछ बना नहीं है, भगवान के सिवाय कुछ है नहीं, उस स्थिति पे गुरु ले जाता है जहाँ आप हर रूप में अपने भगवान का दर्शन करके प्रणाम करने लगते,
जहाँ आप भगवान को हर रूप में स्वीकारने लगते हो, जहाँ आपके मन से चॉइसेस ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ आपके मन से राग द्वेष के स्वभाव ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ आपके मन के शोर मिट जाते हैं, जहाँ आपके मन की हलचलें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ आपके अंदर कैवल्य प्रेम रह जाता है, कैवल्य भक्ति रह जाती है, गुरु तो उस स्थिति पे खड़ा करना चाहता है। तो जब गुरु को अंडरस्टैंड करते जाओगे, आपको पता चलेगा उनकी हर हरकत में बरकत है, बरकतों के सिवाय उनकी कोई हरकत है ही नहीं। कहीं मेरी बनावट है, कहीं मुझे चढ़ाया जा रहा है, कहीं मेरे कोई ना कोई कोने तोड़े जा रहे हैं, फील करोगे, अपनापन आता जाएगा। और फॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट करोगे तो प्यार बड़ा फॉर्मल रह जाएगा, मज़ा तुम्हें भी नहीं आएगा। तुम जब जब आओगे, मिलोगे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट करोगे, उसमें उलझन हो जाएगी। बात प्यार की होनी चाहिए। एक बार कुछ प्रेमी गए गुरु के पास, आजकल ये मिलती है ना शादी ब्याह में भी, दौलत की चाट मार्केट में भी मिलती है, पहले ये सिर्फ लखनऊ मिलती थी, इसको मक्खन बोलते थे ये लोग। और सर्दियों में गुरुजी ये मंगा के मटकियाँ रखते थे, दो दो किलो की, एक एक किलो की पैकिंग में फ्रिज में रखे रखते थे। जो प्रेमी कमरे में मिलने आए, मक्खन लगा के ले आओ। एक उनको खुद बहुत पसंद था, सबके साथ खा, खुद भी खा लेते थे, मक्खन लगा के ले आओ, मक्खन लगा के ले आओ। कोई ग्रुप गया और लौट के आया, उन्होंने अनुभव सुनाया कि हम गुरुजी के रूम में बैठे, गुरुजी ने मक्खन मंगवाया, खिलाया, बड़े प्यार से रख ली होगी मटकी अपने पास, लगा लगा के दे रहे होंगे। अब उन्होंने बताया जैसे कृष्ण ने मटकी में से मक्खन चुराया, सारे ग्वाल बालों को दिया, यंग यंग बच्चों का ग्रुप गया हुआ था, तो खिलाया होगा भगवान ने सबको। तो उसके बाद एक ग्रुप और गया, गुरुजी ने उनको भी बहुत साथ दिया, प्यार दिया। हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी तो हमें पता चल रहा था भगवान इन लोगों को बहुत दे रहे हैं। लौट के आए तो मुँह लटका हुआ, क्या हुआ, हमको भगवान ने मक्खन नहीं खिलाया। अब सारा प्यार मक्खन में, वो इच्छा लेके गए थे भगवान हमको भी मक्खन खिलाएंगे, अब उन्होंने मक्खन नहीं खिलाया, कोई मिठाई खिला दी होगी, फ्रूट्स खिला दिए होंगे, कमरे से ऐसे तो किसी को आने नहीं देते थे, जब भी कोई मिलने ग्रुप जाता था कुछ तो खिलाया होगा। अब इम्पॉर्टेंट ये था कि उनका प्यार देखो, बिजी शेड्यूल में भी समय निकाला, तुम लोगों को मिले, तुम्हें इतना मान दिया, चाहे हमारे नाम से ही, कि उसके वहाँ से आए हैं, बार बार मिले, सेवा दी, अपने घर की सेवा दे दी, लड़कियों को अपनी किचन में अलाउ कर दिया, और लोगों को कमरे में सफाई के लिए अलाउ कर दिया, इतना कुछ दिया, लेकिन बुद्धि जो थी, मन जो था, वो मक्खन पे ही अड़के रह गया। तो जो मिला गवा दिया ना। फिर भले मेहनत करी, खाली किया दिमाग, पर एक बार स्वाद तो बिगाड़ लिया ना अपना, क्या मज़ा आएगा। कभी भी बाहरी फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। बाहर से कभी कैसा होगा, कभी कैसा होगा, पर अंदरूनी तुम उनका प्यार देखो। और बड़ा अच्छा तरीका है, मैं नहीं बढ़ता, भगवान का प्यार मुझे खींचता है। तेरा प्यार खींच कर लाया, मोहे सांवरिया तेरे द्वारे, मैं थोड़ी आने वाला हूँ, उनका प्यार लाता है, वो मुझे याद करते हैं, उनका प्यार मुझे याद आता है, उनकी खींच होती है, उनकी कृपा मुझे यहाँ लाती है, उनकी कृपा मुझे बिठाती है। अच्छा बताओ कितने लोगों के अंदर ऐसा आकर्षण है, प्यार तो गुरु सबको करता है, कितने लोग हैं जो अपनी माया की बेपरवाही करके और भागें, कितने लोग हैं जो कहे मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, उदास हो रहा था, मैं भागा वहाँ से। तो तुम सब भागा हुआ ना, तेरा गुरु से ऐसा प्रेम हुआ है, तो उन चीज़ों को देखो, मज़ा आएगा, उन चीज़ों को देखो, अच्छा लगेगा। और यही अंडरस्टैंडिंग जितनी स्ट्रांग होती जाएगी, प्यार की बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होती जाएगी।
अंडरस्टैंडिंग नहीं तो प्यार नहीं, क्योंकि प्यार विश्वास और अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है। कहीं भी किसी से भी अगर आपको अपने प्यार को पुख्ता रखना है तो अंडरस्टैंडिंग के बिना, विश्वास के बिना प्यार पनप भी नहीं सकता और प्यार पल भी नहीं सकता। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा ना, प्यार में संशय के कीड़े पड़ जाएंगे, पड़े ही रहेंगे और वो हलचल ही करते रहेंगे, प्यार का मज़ा नहीं लेने देंगे, कुड़ 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 चलती रहेगी। और जीवन दो भगवान को और कुड़ कुड़ रहे संशयों की, कितने दिन चलेगा ऐसा व्यक्ति? ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन प्यार हो, फिर ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, संशय की तो कोई गुंजाइश ही ना हो। जैसे पार्वती माता सुन रही हैं राम कथा और शिव जी कह रहे हैं नारद के श्राप के कारण राम जन्म हुआ, वो पार्वती मानती है नारद को अपना गुरु, कहती है भगवान ने ऐसी क्या गलती की जो मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा। ये है प्यार, ये है भक्ति, ये है नज़रिया जिसको संग लेके चलना चाहिए। तुम्हारा मन कहेगा मैंने किया ही क्या था, और सोचना ये चाहिए मैंने ऐसा क्या किया जो उनको जोश करना पड़ा, मैं क्या नहीं कैच कर पा रहा जो उनको जोश करना पड़ता है, सोचना ये चाहिए, नज़रिया ही बदल जाएगा। और ऐसे में ये प्यार दिन दिन स्ट्रांग होता चला जाएगा, अपने आप ही क्लोजनेस भी फील होने लगती है, इवन बाहर से भी क्लोजनेस मिलने लगती है। दिल के भावों की बात है ना, जितना कोई सरल हृदय है अपने आप उसको गुरु की नज़दीकी भी मिलती है। और कपट हृदय हो, बाहर से कोई पास आके बैठ भी जाए, गुरु को ही रिलैक्स फील नहीं होता, इतना भी डिफरेंस हो जाता है। तो मेन बात है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की, प्रेम दिन दिन बढ़ता जाएगा, और फिर इस प्रेम को कमज़ोर करने वाली संसार में ताकत कोई नहीं होगी, समझे।